हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपी से संबंधित कुछ खेल पुरस्कार जो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपीपीवी, एमपी पुलिस अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए देखते हैं 2018 में किसे किसे दिए गए। ये खेल पुरस्कार 2018 के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा दिए गए तात्या टोपे स्टेडियम मार्शल आर्ट में दिए गए भोपाल में 4 अक्टूबर 2018 को। इसके अतिथि थे ओलंपियन सुशील कुमार, कुश्ती में जो ओलंपियन है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार ये 1994 से शुरू किया गया और ये 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है और ये मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है एमपी के। इस साल 2018 में 15 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो इनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है अद्वित पागे, इंदौर के हैं, ये तैराकी करते हैं। दूसरे हैं आकाश नैनीवाल, इंदौर के हैं, ये कबड्डी से संबंधित हैं। तीसरे हैं परितेश पाल, ये इंदौर से पावर लिफ्टिंग में दिया गया है। चौथा है नम्रता बत्ता, ये इंदौर से हैं, इन्हें ब्रूस में दिया गया। पांचवा है दुर्वा मुदीस, इंदौर की हैं, ये सॉफ्ट बॉल में दिया गया है। छठवा है उमा चौहान, ये भोपाल की हैं, सेलिंग में दिया गया है। सातवा है निशा तायडे, भोपाल फिशिंग में दिया गया। आठवा है जहानवी श्रीवास्तव, ये भोपाल की हैं, कैनोइंग काइकिंग में दिया गया है। नौवा है श्रेया अग्रवाल, ये जबलपुर की हैं, शूटिंग में दिया गया है। और दसवां है मुस्कान किरार, ये जबलपुर की हैं, तीर अंदाजी में दिया गया है। 11वीं है नवो रेम, अनीता देवी, ये जबलपुर की हैं, साइकिलिंग में दिया गया है। और 12वां है राजू राजू सिंह भदौरिया, ये भिंड के हैं, घुड़सवारी में दिया गया है। और जो 13 है अध्याय तिवारी, ये होशंगाबाद के हैं, सॉफ्ट टेंस में दिया गया है। और 14वें हमारे विवेक प्रसाद सागर, होशंगाबाद के हैं, जिस इन्हें हॉकी में दिया गया। और 15वें है नीरज राणा, ये ग्वालियर के हैं, हॉकी में दिया गया है। चलिए अब हम दूसरे पुरस्कार विक्रम पुरस्कार की बात करते हैं। 1990 से ये शुरू हुआ है, इसमें 1 लाख राशि दी जाती है और ये 19 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, खिलाड़ियों को, और ये मूल निवासी खिलाड़ियों को मिलता है एमपी के। तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं इस वर्ष किसे किसे दिया गया। तो फर्स्ट है हमारे हर्षिता तोमर, ये होशंगाबाद की हैं, सेलिंग में दिया गया है। दूसरी है रुक्मणी, राजगढ़ की हैं, ये रोइंग में दिया गया है। तीसरी है सोनकर, ये इंदौर की हैं, पावर लिफ्टिंग में दिया गया। चौथी है जूही झा, ये इंदौर की हैं, खो खो में दिया गया। पांचवी पूजा वस्तकार, शहडोल की हैं, इन्हें क्रिकेट में दिया गया। छठा है भीम बीरेंद्र वातम, ये भोपाल के हैं, कैनोइंग काइकिंग में दिया गया है। साथ में देखते हैं पेड़ खड़े हैं, ये भोपाल के हैं, घुड़सवारी में दिया गया। और आठ है अनम बासित, ये भोपाल के हैं, शूटिंग में दिया गया है। नौवीं कीर्ति चंदानी, भोपाल की हैं, जो सॉफ्ट टेनिस में दिया गया। और 10 दिव्यांग श्रेणी में सोनू गोलकार हैं, जी भोपाल के हैं, इन्हें क्रिकेट में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है विश्वामित्र पुरस्कार, ये 1994 से चालू हुआ, इनमें राशि 1 लाख रुपए खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब कोच को दिया जाता है। तो इस वर्ष के 2018 के दिए गए विनोद मिश्रा भोपाल के हैं, कैनोइंग कायकिंग में जो कोच हैं, प्रशिक्षक हैं। दूसरे हैं मोटुम एवो माचा सिंह, ये जबलपुर के हैं, साइकिलिंग में दिया गया है। और तीसरे हमारे घनश्याम चौधरी, ये इंदौर के हैं, इन्हें कबड्डी में दिया गया। अब एक चौथा है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बोला जाता है, इसे कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार भी बोला जाता है। ये 2014 से चालू हुआ, 1 लाख रुपए धनराशि मिलती है इनमें राशि।
ये हैं, एक को मिला है इसमें सुधीर वर्मा, धार के हैं ये, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, देख लिया दोस्तों, अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए जिससे दूसरे को भी फायदा हो सके। चलिए खत्म करते हैं।